साथियों अटल रॉक गार्डन बोतलदा की इस दूसरी कड़ी पे हम देखेंगे तो लेफ्ट साइड में पहाड़ दिखाई दे रहा है, उसमें बताया जा रहा है गुफा है जिसे बोतलदा गुफा के नाम से जाना जाता है, उसे भी आज हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं उस गुफा पे। साथियों ये रहा अटल रॉक गार्डन का बोर्ड, बोतलदा एरो का निशान दिखाई दे रहा है और हम जस्ट लेफ्ट साइड में हम चढ़ेंगे इस पहाड़ को, पहाड़ की ओर प्रस्थान करेंगे। ये झंडा से हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ हमें किसी प्रकार का मार्ग के दर्शन नहीं हो रहे हैं, हालांकि अगस्त का महीना है, घास फूस उगे हुए हैं। गैस यहाँ पे हमें मार्ग के दर्शन हो गए हैं, हम इसी अनुभव के आधार पर आगे बढ़ेंगे। ऊपर चढ़ाई करने में काफ़ी थकावट महसूस हो रहा है और काफ़ी घना है यह क्षेत्र, बाकी काफ़ी दुर्लभ दृश्य हमें देखने को मिलेगा बोतलदा गुफा। अरे वाह, हीरो का निशान बनाया गया है गुफा तक पहुंचने के लिए। इधर भी अभी तक तो हम कैसे पहुंचेंगे बोल रहे थे, लेकिन इधर एरो का निशान देखते ही मन में प्रसन्नता। चलिए अब इस एरो के निशान के माध्यम से हम आगे बढ़ते जाते हैं। बारह दान लेवे कहानी का है। साथियों यह पर्वत काफी ऊंचा है, अभी तक हम गुफा तक नहीं पहुंचे हैं। यहाँ पे एक छाईदार वृक्ष दिखाई पड़ा हमें, यहाँ पे हम आराम कर रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आराम करते हुए आपको नीचे का दृश्य दिखाते हैं। चलिए साथियों मेरे साथ में है दिनेश और इस स्थान को हम दोनों पहली बार आए हैं, हालांकि नीचे गार्ड भैया ने बताया कि आप जाइए आराम से पहुंच जाएंगे। साथियों यहाँ भी पानी की कलकल की आवाज़ आ रही है, इधर भी वाटरफॉल है। वाह यहाँ नेचुरल हवा हमें मिल रहा है। वाह काफ़ी धूप के बाद जो है अभी बदली किया हुआ है, बादल छाए हुए हैं और यहाँ ठंडा वातावरण, काफ़ी खुशनुमा, काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि काफ़ी थकावट थी, ऊपर चढ़ रहे थे और यहाँ पे पेड़ पौधे छायादार हैं और यहाँ पे वाटरफॉल भी निर्मित है, पानी आ रही है, बहुत ही अमेजिंग प्लेस, अच्छा लगा। यहाँ से हमें जाना पड़ेगा। यार बारिश होने वाली है ऐसा प्रतीत हो रहा है, हमें जल्दी चलना होगा वरना हम बारिश में भीग सकते हैं। चलिए थोड़ा जल्दी चलने का प्रयास करते हैं। दोस्तों यहाँ पे बारिश चालू हो गई है, हमें पता नहीं था कि ये घर हमें मिलेगा बट यहाँ पे चलिए ठीक है, बारिश हमें रुकने के लिए एक स्थान मिल गया। जय भोले, जय भंडारी, जय माता रानी। पर्वत के काफी ऊपर चढ़ने के पश्चात जो हमें आइडिया नहीं था इस तरह का घर हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक झोपड़ी बना हुआ है, साथ ही यहाँ कुछ देवता वगैरह को मानते हैं। हालांकि अभी तक हम गुफा तक नहीं पहुंचे हैं, बताया जा रहा है गुफा के लिए अभी हमें एक और पर्वत चढ़ना पड़ेगा। तो चलिए धैर्य बना के रखते हैं और चढ़ते रहते हैं धीरे धीरे। और देखिए दिनेश वहां पे बारिश हो रही है तो वहां पे वेट कर रहा है कि बारिश कब छोड़े तो हम उधर आगे बढ़ेंगे। दिनेश से पूछते हैं यहाँ कि आपको कैसे लगा। सर जी काफ़ी गर्मी हो रही थी, थोड़ा सा बारिश हुआ तो थोड़ा गर्मी से राहत मिल गया है। ठीक, अब देखते हैं कितना देर में पहुंच पाते हैं हम।
दोस्तों ये काफी एडवेंचर प्लेस है। यदि आप कभी यहाँ आए हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं कि यह गुफा आपको कैसे लगा, यह स्थान कैसे है, आने का एक्सपीरियंस बिल्कुल लिख के बताइएगा। यहाँ पहाड़ में कुछ सूचना दिया गया है, यहाँ आने पर हमें दिखाई पड़ रहा है 1 किलोमीटर गुफा और है। साथियों यहाँ से जो एक दृश्य दिखाई दे रहा है वहाँ कुछ लोग उपस्थित हैं, शायद वहीं गुफा स्थापित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस गुफा को। देख सकते हैं साथियों यहाँ से पानी लिया जा रहा है पीने के लिए। सो गैस काफी चढ़ाई करने के बाद हम पहुंच चुके हैं बोतलदा गुफा। कृपया जूता चप्पल नीचे रखें, धन्यवाद। बोल बम कैसे कर रहे हैं, जूता चप्पल को कहाँ पे रखें। चल अंदर चल चल। दोस्तों इस गुफा का नाम श्री सिद्ध गुफा बोतलदा देवगांव है और ये गुफा का प्रवेश द्वार हम इसमें प्रवेश करेंगे। तो महाराज मतलब पूछ के प्रवेश करा। तो महाराज नमस्ते, हम दर्शन करे जहाँ तक सकते हो, जाना हो पूरा ना अंदर घुसोगे ना फिर खड़ा हो गए 10 मिनट बैठ जाना हो राम जी के पास कुंड है फिर आगे जाना अंदर में इधर राइट साइड अंदर जी है दिया जा रहा होगा देखना। हाँ चलिए चल चलता है चल। जाओ जाओ आदमी है अंदर में उसे मोरो वीडियो में टार्च लगा दे। जाओ ना नहीं लगेगा भी ये जलाना नहीं पड़ेगा। अच्छा वहीं पर जाके जलाना अंदर में। चल बंधु दिख रहा है। साथियों यहाँ एक गुरुदेव की प्रतिमा दिखाई दे रहा है और ऊपर देखें तो हमें उजाला रोशनी आ रही है यहाँ से आवाज थोड़ा सा। साथियों हम अभी गुफा के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, यहाँ काफी अंधेरा है और यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति दिखाई पड़ रही है और राम लक्ष्मण और सीता माता की मूर्ति जो है यहाँ पे है और काफी यहाँ अंधेरा है, शांत वातावरण है। यहाँ हमें टार्च जला के आगे बढ़ना होगा क्योंकि यहाँ पूरी तरह से अंधेरा है। चलिए वीडियो पे बने रहते हैं और देखते हैं इस गुफा के दृश्य को। यहाँ पे कुंड भी है। देखना भाई टकरा मत जाना। चमगादड़ है। चल चल कैसे लग रहा है दिनेश। ये मेरा पहली बार जो है ओरिजिनल गुफा में आने का मौका मिला है।
फर्स्ट टाइम। यदि हमें आइडिया रहता कि हम गुफा भी देखने जाएंगे तो साथ में टॉर्च लेके आते, नेक्स्ट बार आएंगे तो टॉर्च लेके आएंगे दोस्तों। यंग कहां ले निकलवे, कहां चढ़वे, है ना। अच्छा ठीक है, चल निकले बारे। दोस्तों हमें महाराज जी के द्वारा बताया गया था राइट साइड में जाने के लिए, अभी हम लेफ्ट साइड में चले गए थे, सो चलिए राइट साइड चलते हैं। और इधर हमें भोलेनाथ शंकर जी के दर्शन करने को मिलेंगे, माता रानी का दर्शन भी हमें होगा। हाँ दिखाई दे रहे हैं, जय भोलेनाथ। भोलेनाथ जी का दर्शन यहाँ पे हमें हुआ। यहाँ पे श्रद्धालुगण फूल अगरबत्ती दिया नारियल सब चीज़ यहाँ पे पूजा अर्चना किया गया है। और इधर लेफ्ट साइड देखें तो यहाँ भी एक देवता हमें दिखाई पड़ रहा है, शायद यही माता रानी की मूर्ति है यहाँ पे। जय माता रानी, जय भोलेनाथ, जय भोले भंडारी। कहाँ पे पानी है, धन नहीं जाएंगे यार, यहीं पे फिनिश करते हैं, फिनिश करते हैं। साथियों यह गुफा जो है अंदर और जाएगा, लेकिन काफी अंधेरा होने के कारण हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इस जगह पे हम नए हैं और रिस्क नहीं लेना चाहते। यहाँ से हम वापस जाएंगे। देखिए ये गुफा जो है इधर और आगे बढ़ेगी, तो चलिए दोस्तों जिधर से आए हैं उधर से ही हम रिटर्न होते हैं। चल टार्च मारा जाता थोड़ा सा। साथियों बोतलगा का यह गुफा काफी एडवेंचर रहा, यहाँ पे काफी अच्छा लगा, लोग यहाँ पे कीर्तन भजन कर रहे हैं, श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं। साथियों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो में नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।